गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने करंट और करंट्स के प्रकार के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग कुछ विशेष परिभाषाओं को के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ चालक और कुछ चालकों के गुण हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं एम्पियर। एम्पियर जैसा कि हम लोग जानते हैं करंट का मात्रक एम्पियर है, जिसे आई से सूचित किया जाता है। यदि किसी सर्किट में एक सेकेंड में एक कूलम्ब चार्ज प्रवाहित हो जाए तो वहाँ करंट का मान एक एम्पियर होता है। 6.28 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज एक कूलम्ब के मान के बराबर होता है, अर्थात I बराबर क्यू बाई टी। यहाँ क्यू चार्ज का मान कूलम्ब में है और टी समय सेकेंड में। नेक्स्ट पॉइंट है वोल्ट। वोल्ट वोल्टेज का मात्रक है, इसे भी से सूचित किया जाता है। यदि किसी सर्किट में दो बिंदुओं के बीच एक कूलम्ब चार्ज स्थानांतरित किया जाता है कि करने में एक जूल कार्य हो तो वहाँ दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज का मान एक वोल्ट होता है। भी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू कार्य जूल में तथा क्यू चार्ज कूलम्ब में दर्शाता है। ओम, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रतिरोध मापने का यह मात्रक है, और यदि किसी चालक या प्रतिरोध में से बहने वाली करंट का मान एक एम्पियर हो तथा वहां वोल्टेज का मान एक वोल्ट हो तो वहां चालक के द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध का मान एक ओम होता है। R बराबर V बाई I। R रेसिस्टेंस वोल्ट ऑब्लिक एम्पियर या ओम में, V वोल्ट में, और I का मान करंट एम्पियर में होता है। महो। महो का महो प्रतिरोध का विपरीत गुण वाला होता है, अर्थात धारा के बहाव में यह सुगमता उत्पन्न करता है। इसका प्रतीक साइमन है, जिसे एस से सूचित किया जाता है। पावर, किसी मशीन की कार्य करने की दर पावर कहलाती है, या दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं वोल्टेज और करंट के गुणनफल को पावर कहते हैं। इसका मात्रक वाट होता है, जिसे W से सूचित किया जाता है। वाट का मान ब्रिटिश HP में इसका मान 746 वाट तथा मैट्रिक सिस्टम में इसका मान 735.5 वाट होता है। यहाँ यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और प्रायः एग्जाम में यह पूछा जाता है, तो यहाँ ध्यान देने वाला बात है। यदि ब्रिटिश सिस्टम लिखा हुआ है तो 746 वाट पर टिक करेंगे, और यदि मैट्रिक सिस्टम लिखा हुआ है तो 735.5 वाट पर टिक करेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट है ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। यह दो प्रकार की होती है। पहला पोटेंशियल एनर्जी तथा दूसरा काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, m द्रव्यमान किलोग्राम में, जी गुरुत्वीय त्वरण मीटर ऑब्लिक सेकेंड स्क्वायर में, एच ऊंचाई मीटर में तथा भी वस्तु का वेग होता है मीटर सेकेंड में। काइनेटिक ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv². यूनिट विद्युत व्यय का व्यापारिक मात्रक BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या यूनिट कहलाता है। एक यूनिट बराबर 1 किलोवाट होता है। दूसरे शब्द में हम लोग इसे कह सकते हैं, एक यूनिट बराबर वाट गुने घंटा बटा 1000। तो ये कुछ फॉर्मूलास थे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, और इन फॉर्मूलाओं इन परिभाषाओं का प्रायः परीक्षाओं में पूछा जाना बहुत ही सरल है। अर्थात इन परिभाषाओं में प्रायः एक न दो क्वेश्चन जरूर हर एक प्रतियोगिता परीक्षा या कोई भी टेक्निकल एग्जाम में प्रायः पूछा जाता है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स। पहला कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर और तीसरा सेमीकंडक्टर। अब हम लोग पढ़ते हैं कंडक्टर के संबंध में। चालक, जिस पदार्थ से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाता है उसे हम लोग चालक कहते हैं। इसमें बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से 3 के बीच होता है और जिसमें जितना ही कम इलेक्ट्रॉन होता है वह उतना ही अच्छा सुचालक होता है। कुछ सुचालक जिनके नाम इस प्रकार से हैं, सिल्वर, कॉपर, ब्रास, एल्युमिनियम, आयरन, लीड, टीन, जिंक, यूरेका, नाइक्रोम, टंगस्टन एवं कार्बन। चालकों के गुण है, पहला इनका विशिष्ट प्रतिरोध कम होना चाहिए। दूसरा गुण, इनकी यांत्रिक सुदृढ़ता अधिक होनी चाहिए। तीसरा गुण होना चाहिए, ये सरलता से प्राप्त होने चाहिए और कीमत इनकी कम होनी चाहिए। अगला गुण है, यदि चालक धातु है तो उसके तार बनाए जा सकते हैं। अधिकांश चालकों का रेसिस्टेंस अर्थात प्रतिरोध कार्बन को छोड़कर तापमान वृद्धि के साथ बढ़ता है। यहाँ यह पॉइंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्रायः परीक्षाओं में इस पॉइंट को पूछा जाता है।
इसके साथ ही हम लोग देखते हैं कुचालक, इंसुलेटर, वैसे पदार्थ जो धारा के बहाव में बहुत ज़्यादा रुकावट उत्पन्न करते हैं, कुचालक कहलाते हैं, या जिनके बाहरी कक्ष में 5 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुचालक कहलाते हैं। जिस पदार्थ के बाहरी कक्ष में जितने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वह उतने ही अच्छे कुचालक माने जाते हैं। कुचालकों के गुण हैं, यानी कुचालकों में निम्न गुण होने चाहिए। पहला, इनका उच्च ब्रेकडाउन वोल्टेज उच्च होना चाहिए, यांत्रिक सदृढ़ता होनी चाहिए, तापमान सहन शक्ति इनकी ज्यादा होनी चाहिए, न्यूनतम विद्युत अवशोषी होना चाहिए और डाइलेक्ट्रिक नियतांक इनमें अधिक होनी चाहिए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के आधार पर कुछ कुचालक इस प्रकार से हैं: ड्राई वुड, स्लेट, पेपर, मार्बल, कॉटन, फाइबर, ग्लास, पोर्सिलिन, ट्रांसफार्मर ऑयल, रबर, रेजिन, बिटुमन, बैकलाइट, माइका, एबोनाइट इत्यादि। कुचालक का वर्गीकरण हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के अनुसार देखा। अब हम लोग देखते हैं सेमीकंडक्टर, वैसे पदार्थ जिसके बाहरी कक्ष में निश्चित रूप से 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सेमीकंडक्टर पदार्थ कहलाते हैं। प्रारंभ में यह एक कुचालक के जैसा काम करते हैं, लेकिन अगर इसमें अशुद्धि मिला दी जाए तो यह चालक के समान काम करते हैं। कुछ विशेष सेमीकंडक्टर्स पदार्थ हैं: जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, बोरोन इत्यादि। अब हम लोग एक अलग पॉइंट देखते हैं, करंट का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ करंट। कहीं भी करंट प्रवाहित करने पर निम्न में से कोई एक प्रभाव वहां काम करता है जिसके कारण वह कार्य करता है। जैसे पहला है हीटिंग इफेक्ट। जैसा कि हम लोग जानते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम में कि ऊर्जा का केवल रूप परिवर्तित होता है, ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता है। जब किसी ज़्यादा प्रतिरोध वाले तार से धारा को गुजारा जाता है तो वहाँ ऊर्जा रुकता है और वह ऊर्जा हीट के रूप में परिणित हो जाता है, जिसका मान हम लोग H इजकल टू I²RT से ज्ञात करते हैं। इस प्रभाव का प्रयोग हम लोग हीटर, प्रेसारण तथा अन्य जहां पर गर्मी उत्पन्न करना होता है, इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव। जब कम प्रतिरोध वाले तार से करंट को प्रवाहित किया जाता है तो वहाँ भी इलेक्ट्रिकल ऊर्जा रुकता है, लेकिन उसका शक्ति कम होने के कारण उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसका प्रयोग हम लोग विद्युत घंटी तथा अन्य वैसे सर्किट जहां इलेक्ट्रोमैग्नेट उत्पन्न किया जाता है,
उस प्रकार के विभिन्न प्रकार के सर्किटों में करते हैं। इसका फॉर्मूला है B बराबर 2 × 10⁻¹⁷ I/D। रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव में हम लोग देखते हैं कि जब किसी द्रव्य या अकार्बनिक विलयन में से करंट को प्रवाहित किया जाता है तो विलयन दो अवयवों में विभक्त हो जाता है। इसका उपयोग बैटरी चार्ज करने में, कलई करने में, धातुओं के शुद्धिकरण में तथा अन्य जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है m = Z×I×T। अब हम लोग इन प्रभावों के अलावा भी कुछ प्रभाव हैं, जैसे पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीजो एक रावेदार पदार्थ है और इसका गुण है कि दबाव के अनुसार इसके प्रतिरोध का मान चेंज होता है। इसका साइज काफी ही छोटा होता है और क्रिस्टलीय होता है। इसका उपयोग हम लोग कॉर्डलेस माइक में करते हैं। यह इतना छोटा होता है कि हम इसे दांत के अंदर भी रख कर करके और अपने आवाज को करंट में बदल सकते हैं। इसके अलावा एक और प्रभाव है जिसे रे इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। जो सोलर प्लेट हम लोग यूज करते हैं वह रे इफेक्ट पर ही कार्य करता है और हमें सूर्य के प्रकाश से रोशनी प्राप्त होती है। इसके अलावा मानव शरीर में भी कुछ ऐसी बीमारियां होती है जैसे पागलपन, जिसके लिए मानव शरीर में करंट को प्रवाहित किया जाता है, लेकिन यह करंट का प्रभाव एक योग्य चिकित्सक के द्वारा ही किया जाता है, जिससे क्षणिक जो अवरोध उत्पन्न होता है उसके कारण किसी भी व्यक्ति का याददाश्त पुनः वापस आ जाता है। तो आज हम लोगों ने करेंट्स करेंट से संबंधित सभी नियमों को और इफेक्ट ऑफ करेंट के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट अगले क्लास में हम पढ़ेंगे। आप लोगों से यह विशेष अनुरोध है कि आप लोग क्लास को लास्ट समय तक इसके वीडियो को देखें। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। थैंक यू।